सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा का ट्रोलर से पुराना नाता है। बीते साल जब कपिल शर्मा विवादों में थे तब ट्रोलर्स ने कॉमेडियन की जमकर आलोचना की थी। कपिल शर्मा के हर एक्शन रिएक्शन को लेकर नेगेटिव माहौल बनाया गया। हालांकि टीवी पर वापसी करने के बाद कपिल को लोगों का भरपूर प्यार मिलने लगा है। एक इंटरव्यू में कपिल शर्मा से ट्रोलर्स के बारे में सवाल किया गया, इसका उन्होंने बेहद ही मजेदार जवाब दिया। इवेंट में कपिल शर्मा ने कहा, सोशल मीडिया पर तीन तरह के फॉलोअर्स होते हैं, एक फैंस होते हैं, दूसरे वो फैंस होते हैं जो क्रिटिक्स भी होते हैं, और तीसरे वेल्ले होते हैं। मैं फैंस का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे बताते हैं और मेरी रचनात्मक आलोचना करते हैं। तीसरी नस्ल के फॉलोअर्स के पास नकारात्मकता फैलाने के अलावा कोई काम नहीं होता। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कहा, वो यानी कि वो वेल्ले अनप्लान बच्चों की तरह हैं, जो दुनिया में बिना किसी योजना के आए हैं। वो पैदा हुए थे क्योंकि मौसम अच्छा था, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि उन्हें नजरअंदाज करने का एकमात्र तरीका उन पर ध्यान नहीं देना है। शुरू में मैं रिएक्ट कर जाता था, लेकिन अब मैंने उन्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया है। आजकल फ्री इंटरनेट डाटा उपलब्ध है, लोग हमेशा फोन पर रहते हैं और सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे बकवास करते हैं। बता दें कि कपिल शर्मा कमबैक करने के बाद प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हैं। उनके शो को सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। टीआरपी रेटिंग में कपिल शर्मा का शो अच्छी रैंकिंग पर है। सोशल मीडिया पर कपिल की आलोचना करने वाले अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन अब कपिल शर्मा का पूरा फोकस अपने काम पर है। उन्हें अब सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।